नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है वालियम, इसे तरुल, खमरुआ और भी नाम हो सकते हैं जगह अनुसार से, लेकिन इसका पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाते हैं। और इसे पानी से अच्छी तरह से धो लिए हैं और अब इसे उबालेंगे। तो कुकर पहले गैस पर रख लेते हैं और इसे दो टुकड़ा कर लेते हैं पहले, क्योंकि इतना बड़ा कुकर में नहीं जाएगा। तो देखिए, इस तरह से दो टुकड़ा कर लिए हैं। अब इन्हें कुकर में डाल लेते हैं और इसमें आधा कप पानी डाल लेंगे। पानी डाल लिए, अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें दो सीटी लगा लेंगे। तो लगने देते हैं कुकर में सीटी। तो कुकर में दो सीटी लग चुके हैं, गैस ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमें गलाना नहीं है, बस सॉफ्ट करना है। तो अब इंतजार करते हैं कुकर का वेफर निकलने का। तो कुकर का वेफर निकल चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में ताकि ठंडा हो जाए, तो हम इसे छील लेंगे। क्योंकि गरम गरम में तो हम छील नहीं सकते हैं। और देखिए, बहुत गला नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है ये। तो ठंडा होने देते हैं इन्हें। तो अब ठंडा हो चुका है ये, अब इन्हें छील लेते हैं। इस तरह से चाकू की सहायता से छील लेंगे। तो अब इन्हें छील लिए हैं, अब पीस पीस में काट लेते हैं। तो आप चाहे तो इस तरह हाथों से काट सकते हैं अथवा बोर्ड पर रखकर काट सकते हैं। तो अभी बोर्ड पर ही काट लेते हैं। देखिए, इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा ही काटेंगे, बहुत पतला नहीं काटेंगे। देखिए इस तरह का, तो सारे काट लेते हैं इसी तरह से। अब इसे एक बर्तन में रख लेते हैं और अब इसमें मसाला डालेंगे। तो इस बॉल में मसाला डालेंगे, तो सबसे पहले बेसन डाल लेते हैं। दो चम्मच बेसन डाले हैं, एक चम्मच चावल का आटा और एक चम्मच और बेसन डाल लेते हैं। अब इनमें डालते हैं 1/4 छोटी चम्मच लहसुन का पाउडर। इनके जगह आप लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच, और अदरक कुटा हुआ अथवा पेस्ट 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। अब इनमें डालते हैं नमक स्वाद अनुसार अथवा 1 छोटी चम्मच। अब इनमें डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स 1/2 छोटी चम्मच, अथवा आप इनके जगह रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं। अब इन सारे चीज़ों को मिला लेते हैं। तो मिला लिए हैं, अब इनमें डाल लेते हैं पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक ही बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर हमारा पतला हो जाएगा। तो इस तरह से मिलाकर, और ज़रूरत पड़ी तो और थोड़ा पानी डाल लेंगे, 1-2 चम्मच और डाल लेते हैं क्योंकि फूलने के बाद गाढ़ा हो जाएगा बैटर। तो 2 चम्मच पानी डालकर इस तरह से फिर से मिला लेते हैं। तो देखिए इस तरह का बैटर है अभी, और फूलने के बाद गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा और। तो इसे रख देते हैं साइड में और गैस ऑन करके गैस पर पैन रख लेते हैं। अब इन्हें गर्म होने देते हैं, इनमें डालते हैं अब तेल। अब तेल को गर्म होने देते हैं। तो अब तेल गर्म हो चुका है, अब इनमें डालेंगे ये पीसे तलने के लिए। तो इन पीसों को इस तरह से 2-4 पीस एक बार में डाल लेंगे बॉल में और डिप करेंगे बेसन में। इस तरह से मिला लेंगे, अच्छी तरह से बैटर से कोटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से, अब डालते हैं पैन में इस तरह से चम्मच से उठा के, और हल्के हाथों से डालेंगे, बहुत जोर से नहीं डालेंगे, नहीं तो तेल उछट कर पड़ सकता है अपने शरीर पर। तो इसी तरह से सारे डाल लेते हैं पहले। तो देखिए, मैंने जितने एक बार में आया उतने मैंने पैन में रख लिए हैं तलने के लिए। अब हम
इन्हें गोल्डन ब्राउन होने देंगे एक तरफ से, फिर दूसरे तरफ पलट लेंगे। तो लीजिए, एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ये पकौड़े, अब दूसरे तरफ पलट लेते हैं और दूसरे तरफ भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इन पर। तो इसी तरह से दूसरे तरफ भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। तो लीजिए, मैंने मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक क्रंची सेक लिए हैं पकौड़े को। बहुत ही अच्छा सिका है ये पकौड़ा। तो अब निकाल लेते हैं, तो एक प्लेट में पकौड़ों को निकाल लेते हैं। आप चाहे तो टिश्यू पेपर प्लेट पर रखकर निकाल लें या ऐसे ही निकाल लें। तो सारे पकौड़े निकाल कर और बाकी का पकौड़ा भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ सेक लेंगे। तो देखिए इसी तरह से डाल लेते हैं पहले। तो मैंने सारे पकौड़े डाल लिए हैं, अब बाकी का बेसन इस तरह से ऊपर से डाल देंगे और इसी तरह से दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक सीख लेंगे पकौड़े को। तो लीजिए, मैंने सारे पकौड़े तलकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहे तो पकौड़े को इस तरह से कोई चटनी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं अथवा कोई मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पकौड़े को काट कर दिखाती हूँ। ये पकौड़ा बनाकर आप खाएंगे तो पनीर का पकौड़ा भूल जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है ये पकौड़ा। आप चाहे तो अभी ये लाई का सीजन है, आप इस तरह से इसे मीठे के साथ ऐसे नमकीन सर्व कर सकते हैं। तो आप ये बनाइए पकौड़ा और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।